हाँ जी वही भी खर्चा वही भी फतेह जी, अज शादी तीन में जी रोपड़ पहुंची है जिसे कि आम पार्टी के जो शहरी प्रधान है साढ़े सरदार सरजीत सिंह जी साढ़े विचकार पहुंचे है। तो दूजी ना असं गलबात करा जे इन्होंने पार्टी वालों जी तो जरा उपराला किया जा रहा कोरोना वायरस वालों जी। देखो जी बहुत बहुत धन्यवाद ता कि तुम जी सरकार वालों अज इंटरव्यू ले रहे हैं जी। देखो गल भी दिल्ली के जोड़े आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं हैगी, परंतु फिर भी असी अपने लैवल से जिथे जिथे भी साढ़े MLA साहबान ने या जिथे साढ़े वलंटीयर ने अहदेदार ने अपने लैवल से समाज सेवी संस्थावां दे नाल रल के लोगों की सेवा दे विच 24 घंटे हाजिर हाँ जी। असी बाकी जिहड़ी इस समय की गल है देखो पंजाब दे विच पंजाब सरकार दीआं जिहड़ीआं सेहत सहूलतां दे विच बिल्कुल बुरी तरह फेल हो चुकी है। करोना महामारी के दौरान 22 तरीक तो लॉकडाउन होया होया 22 तरीक तो लैके अज तक देखो जिन्हें भी साडा पैरामेडिकल स्टाफ हैगा उन्होंने ना तो PPE किटां मुहैया हुई ने, ईवन इतों तक कई डॉक्टर साहबान भी है जिहड़े ड्यूटी ते मौजूद ने अपनी जान जोखम दे विच पा के उन्होंने भी जिहड़ा पूरियां मेडिकल सहूलतां जिहड़ियां मिलनियां चाहीदियां उन्होंने चाहे PPE किटां है चाहे होर साजो समान उहदे विच सरकार बिल्कुल बुरी तरह फेल होई है। तुसीं पिछे जे देखिया होवे कि तरन तारण दे विच एक जिहड़े पेशेंट सीगे करोना दे उन्होंने लैण एक एंबूलेंस गई है सेहत विभाग की, उहदे विच तुसीं सोशल मीडिया ते देखिया होना वायरल होई है वीडियो कि उहदे विच जिहड़े ड्राइवर ने एंबूलेंस दे ओह उहदे विच झाड़ू लगा के बाहर मिट्टी कढ रहे ने और पेशेंट ने ये कहा कि मैनू करोना निकले ना निकले अजे तो यह सिर्फ इसके लक्षण आ, अगर मैं इस हालत के हॉस्पिटल पहुँच गया इस एंबूलेंस के जरूर मैनू करोना हो जाएगा। बिल्कुल लोगों को विश्वास नहीं रहा पंजाब सरकार से, इतों तक जिहड़े पंजाब सरकार के साडे सेहत मंत्री ने बलवीर सिंह सिद्धू वह भी अपने घर एकांतवास हो गए ने, जिहड़ा समा उन्होंने लोगों के आके उत्साहित करन की लोड़ सी, मैडिकल स्टाफ को उत्साहित करन की लोड़ सी, प्रशासन को उत्साहित करन की लोड़ सी, अज समय की लोड़ सी कि सेहत मंत्री जिहड़े साडे पंजाब दे ने वो लोगों के आउंदे, परंतु वह आप डर के घर च बैठ गए ने जिहड़ी कि बहुत ही नमोशी भरी गल आ। अज देखो जाके दिल्ली दे विच की हालात ने, साढ़े अरविंद केजरीवाल सारे हल्कों में जा रहे ने आप पैर आप उन्हां दी प्रधानगी हेठ सारा काम हो रहा और आम आदमी पार्टी बड़ी वधिया परफॉर्मेंस दे रही है। तो उस तो बाद आपां दूजी गल करिए ट्रांसपोर्ट की, जिहड़े वीर साढ़े ट्रांसपोर्ट का काम करते ने उन चाहे परमिट की गल आ चाहे उन्हां ते जिहड़ा रकमां दा व्याज पै रहा है जी चाहे इंश्योरेंस की गल आ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਆ ਰੀਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ 8 ਵਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
मैं तो यही कहना कि जिन्ना जोर कैप्टन साहब ने अपनी फोटो लवाउण दे लई किटा दे उपर लाया जे इन्ना दिमाग ये ला के कि इस तरह का समान पाँदे कि जिहड़ा आम घरां दे दीआं लोड़ां पूरियां कर सकदा तां बहुत ज़्यादा वधिया ढंग सी। अज देखण दी लोड़ आ कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली दे विच एक एग्जाम्पल सैट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के वास्ते, ठीक है, अज नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की दिल्ली स्टेट, उस तरह इन्हां नूं भी कदम चुकने चाहिए आ। साधना की कोई कमी नहीं है, सिर्फ नीयत की कमी है कि इन्हां नूं काम करना ही नहीं आउंदा। तो जिन्हें कि सानू सरदार सरजीत सिंह ने दसिया जिहड़ियां इन्हां दीआं सरकार दीआं जे कुछ जिहड़े काम है वह बहुत वधिया तरीके नाल हो सकदे आ, पर उन्हां वल्लों सरकार दा ध्यान नहीं। जिवें कि इन्हां नूं दस्सिया तरन तारण विच जिहड़ा एक करोना का पेशेंट लेन वास्ते जिहड़ी गड्डी गई सी उहदे विच बहुत ही माड़ा हालत सी उहदा बंदे दा, ते उन्होंने जिहड़ा पेशेंट है उन्होंने इस चीज़ नूं मना कर दिता जाण वास्ते। ते सर तुसीं होर की जिहड़े शहरी विकास जिहड़े तुहाडे चल रहे आ उहदे विच की जिहड़ियां कमियां जिहड़ियां पेश आ रहियां? देखो शहरां दी तां इस तरह हालात आ, शहरां दे विच कोई सफाई नहीं हो रही, कोई प्रॉपर सैनिटाइज़ नहीं हो रहे शहर, ना इन्हां ने कोई इस तरह का सिस्टम बनाया है, ठीक है जी, ते गंदगी दे ढेर लगे पए आ चारे पासे। ये करोना दे विच ये नहीं कि जदों तुसी किसे भी डिपार्टमेंट नाल गल करदे, म्यूनसीपल कमेटी नाल गल करदे, कोई तुहानू दिक्कत आउंदी आ, आवारा पशुओं की दिक्कत हैगी आ, वो इको ही गल करते जी कि सारे बंदे करोना महामारी दे विच लगे हुए आ। चलो साड़ी मैडिकल टीमां तां लगियां, जिहड़ियां म्यूनसीपल कमेटी आ और होर साड़ियां जिन्नियां भी सरकारी संस्थावां ए, इन्हां नूं अपने अपने डिपार्टमेंट का काम आ जिहड़ा वो बड़े वधिया ढंग नाल करना चाहीदा। यह करोना महामारी के समय ये जिन्ने भी साडे डिपार्टमेंट्स हैगे ना, सारियां नूं लोकां दे नाल खड़ना चाहीदा है। अज समा है, अगर अज अपने लोगों के नाल नहीं खड़े तो यह तो लोगों वास्ते एक चिट्टे हाथी बन गए आ कि जिहड़ी इन्हां दीआं तनखाह वो सरकारी खजाने चो जा रही ने, ते बाकी अपनी मौज मस्ती ये कर रहे हैं जी। तो सर एक होर अजकल गल आ रही है जो सरकारी मुलाजम है कहें उन्होंने जी तनखावें है वह भी कट्टिया जा रही हैं? देखो जिहड़ियां सरकारी मुलाजमान दीआं तनखाहां कट्टणियां ये कोई सरकारां दा जिहड़ा बिल्कुल फेलियर हुंदा है। एक जदों तनखाह मिलती है किसी सरकारी मुलाजम नूं उहदे काम के बदले मिलती है कि सरकारी मुलाजम नूं की भत्ता मिल रहा की मिल रहा है, वह सारा उन्हें कैलकुलेशन महीने की लाई हुंदी है कि ये काम असी करना है, ये साडे बच्चों के खर्चे आ, साडे होर खर्चे आ। ते अज बड़ी खुशी की गल आ कि जिन्हें भी साडे पंजाब दे जिहड़े मुलाजम ने इमानदारी नाल काम कर रहे, अज सानू उन्हां दी पिट्ठ तापण की लोड़ आ। जिवें दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर कोई भी मैडिकल सहूलत देण दे समय, ईवन चाहे कोई डॉक्टर आ, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ का मैंबर आ, चाहे किसी होर महकमे का मुलाजम आ, अगर उन्हां दी इस महामारी के दौरान मौत हुंदी आ तां असी उन्हां नूं 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देवांगे। परंतु असी इत्थे देखिया कि जिहड़े एक साडे पंजाब PRTC दे ड्राइवर सीगे उन्हां दी मौत तो बाद उन्हां दी ड्यूटी दे दौरान मौत हुई आ, पंजाब सरकार ने सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा दिता, जिहड़ी कि बड़ी शर्मनाक गल आ। इन्हां ने की कीता जी, इन्हां ने 50 लाख का ऐलान तो कर दिता पर इन्हां ने उहदे पिछे ये रख लिया कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मैं सरकार अगे अपील करदा कि नोटिफिकेशन जारी करके जिहड़े भी साडे सरकारी मुलाजम ने अपनी जान नूं जोखम विच पा के इस औखे समय पंजाब दे लोकां दी सेवा कर रहे आ, उन्हां दे नाल खड़ना चाहीदा सरकार नूं, और जिन्नियां भी सारियां पोलिटिकल पार्टीज़ आ उन्हां नूं भी सरकार ते दबाव बनाउणा चाहीदा कि घट्टो घट भी ये इंश्योर किया जाए जिहड़ा भी इस पहली कतार दे विच लोकां दी सेवा करदा है आके, अगर उदू कोई इदां दी मतलब अचानक कोई मौत हुंदी आ उन्हां दी इस बीमारी दे दौरान, तां उहनूं घट्टो घट भी ये मुआवजा पक्का किया जाए तां कि जिहड़े साडे सरकारी मुलाजम आ उह अगे होके पहली कतार दे विच इक दूजे तों अगे होके काम करन। ते अपने सर जे तुसीं गल कर लईए रोपड़ शहर दा जिहड़ा करोना दा जिहड़ा कोई पेशेंट आ तुसीं उहदे बारे कोई जानकारी दिंदे हो? देखो करोना का इदा है जी, जिहड़ा तो इन्होंने तो सरकार ने तो अपनी हैल्पलाइन इन्होंने दित्तियां हुई, बाकी जो कोई साडे भी ध्यान दे विच आउंदा इदा इस तरह के सिम्पटम होंदे आ असी भी उन्होंने एप्रीशिएट करते हैं कि तुसी हॉस्पिटल जाओ, तुहानू ये सिम्पटम आ तुसी चैक कराओ, ये किते ये ना होवे कि तुहाडे नाल तुहाडे परिवार नूं तुहाडे आले दुआले तुहाडा जिहड़ा सारे समाज दे विच इस चीज़ का फैलाव होवे, आपां इहनूं इनिशियल स्टेज ते रोकीए जिथे साडा फर्ज़ बनता असी सरकार दे नाल पूर्ण सहयोग दे रहे। तो सरकार वालों हदायत दी गई है भी जिहड़ा बंदा बाहर जाएगा एक तो मास्क जरूरी है, तो दूजा जिहड़े एहतियात है कि जिवें कि घरां दे विच ही रहो, तो तुसी अपने वालों की होर सुझाव देना चाहते हो? देखो ये सुझाव देना चाहते हैं जिहड़ी करोना महामारी है ये पूरे संसार के लिए बहुत वड्डी विपता है, जिहड़ियां WHO ने गाइडलाइनस इशू कीतियां ने उहदे मुताबिक ही साडी भारत सरकार और पंजाब सरकार ने कीतियां ने।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਾਸਕ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ।